ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग ग्रामर के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक रहेगा हमारा आर्टिकल। और आप सभी जानते होंगे आर्टिकल होता क्या है। अगर आप नहीं जानते मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल तीन होते हैं, और मैं आपको ठीक से बताता हूं, जरा फोकस करिएगा। ARTICLES आर्टिकल्स। जब मैं आर्टिकल्स बोलता हूं, आर्टिकल्स यहां पर आपको तीन प्रकार के, एक होता है ए, दूसरा होता है एन, और तीसरा आता है द। आर्टिकल तीन प्रकार के, ए एन द। इनका प्रॉपर यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे इसका यूज नहीं कर पाते। और अगर आप ग्रामर को खोल कर पढ़ते हैं आप बड़ा कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि वहां पर डिटेल लिखा जाता है और डिटेल आपका एक्सप्लेन किया जाता है, और उससे आपका कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो चलिए यहां बात करते हैं हम लोग इसको कि शॉर्टकट में कम समय में हम आर्टिकल को कैसे सीखें। जब मैं बोलता हूं आर्टिकल, आर्टिकल ए एन और द, देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स दैट वी हैव। ओके, वेल लेट मी डू वन थिंग, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे नंबर वन, नंबर वन में आता है आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट ए आर टी आई सी एल ई, इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और आता है ए एन एन। ये दो इनडेफिनेट आर्टिकल है, समझ में आपको? ए और एन, ये दो इनडेफिनेट आर्टिकल। नंबर टू में चलता हूं, इसे हम कहेंगे डेफिनेट आर्टिकल, डी ई एफ आई N I T E, definite article, A R T I C L E article, और definite article होता है the, E H E the। ये तो एक होता है indefinite, एक होता है definite। There are two different articles that we have। समझ में आ रहा है आपको? दो articles हमारे पास है, और हम इन्हीं के बारे में discuss करेंगे। तो सबसे पहले discuss करने की कोशिश करते हैं A और N, you know? अब आर्टिकल ए और एन को जानने से पहले आप एक चीज को सीख लीजिए, राइट? यहां पर नंबर वन पर मैं बात करता हूं वी ओ डब्ल्यू ई एल एस, वॉवल्स। और आप जानते हैं कि वॉवल्स हमारे पास पांच प्रकार के हैं, ए ई आई ओ एंड यू। तो फाइव डिफरेंट वॉवल्स हमारे पास है, आप अच्छी तरह देखिए वॉवल्स ए ई आई ओ यू देख लिया। अब नंबर टू में देखते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट, सी ओ एन एस ओ एन ए एन टी एस, कॉन्सोनेंट। जब मैं कॉन्सोनेंट बोलता हूं यानी 26 अल्फाबेट जो होता है ए से लेके जेड तक, उसमें से अगर आप पांच वॉवल निकाल दें तो रिमेनिंग अल्फाबेट को कॉन्सोनेंट डाल जाता है। तो कॉन्सोनेंट हम ए को छोड़कर हम लिखेंगे बी, फिर हम लिखेंगे सी, फिर डी, ई को छोड़ देंगे हम एफ, फिर जी, फिर उसके बाद एच, आई को छोड़कर हम लिखेंगे जे, फिर लेंगे के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, उसके बाद ओ को छोड़कर हम लेंगे पी, देन कम्स क्यू, उसके बाद आर, फिर एस, फिर टी, फिर यू को छोड़कर हम वी, फिर से डब्ल्यू, उसके बाद एक्स, उसके बाद लेंगे वाई, उसके बाद लेंगे जेड। तो इस तरह देखते हैं कि यहां पर 21 कॉन्सोनेंट है और 5 वॉवल है। 21 प्लस 5 मिलकर 26 अल्फाबेट्स हमारे इंग्लिश में। 26 अल्फाबेट में से हमने 5 वॉवल निकाल लिए, ए ई आई ओ यू, याद कर लीजिए। उसके बाद हमने 21 कॉन्सोनेंट्स को निकाल लिया, वो उसमें से ए ई आई ओ यू को माइनस करके हटाकर, तो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इसे भी आप याद कर लीजिए। ये सिखाने का रीजन क्या, मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं वॉवल की, तो वॉवल से शुरू होने वाले कोई भी वर्ड, जो भी वर्ड रहेगा, उसे उसके आगे हमेशा एन लगता है। वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड, जो भी वर्ड है उसके आगे एन लगता है। और जब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट की, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले जो भी वर्ड होगा उसके आगे लगता है ए। मैं कुछ एग्जांपल दे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अब आपको क्या समझ में आया, जब हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स।
So articles again divided into two different groups, that is called indefinite and definite article. So when we talk about definite article, we are talking about the use of a and an. So indefinite article, when we are talking about definite article, then we are talking about the. So indefinite article a and an, and definite article the, the. So before getting into article, let us remember there are 5 vowels and 21 consonants. When I say 5 vowels, the 5 vowels are A, E, I, O and U. And the remaining alphabets out of 26, okay, the remaining alphabet that is 21, they are called consonants. And now I have told you that vowel se shuru hone wale koi bhi word ke aage N lagta hai aur consonant se shuru hone wale koi bhi word ke aage A lagta hai. Main kuch example bata raha hu aapko. So let us go for some example. You see, for example, like M A double P L E apple. Aapne dekhe yahan par an apple. Because A vowel hai. Isliye humne uske aage N ka use kiya. Is tarah baat karenge M E double G egg. यहाँ पर देखिए A vowel, E vowel. फिर देखिए N, I N K P O T ink pot. फिर से देखिए I vowel. उसके बाद N O R A N G E, an orange. फिर से O vowel. उसके बाद लेते हैं N U M B R E double L A, an umbrella. U vowel. देखिए अब A E I O U vowel से शुरू होने वाले words का आगे हमेशा N लगेगा. ये समझ में आ रहा है आपको? तो N यहाँ लगा. अब हम बात करेंगे A. तो A कहाँ लगेगा? फिर से हम example लेते हैं. जैसे कि A H O U S E house. A house. देखिए H consonant है. H consonant. इस तरह से A हम लेंगे G U N gun. देखिए A गन, यानी यहां पर G कॉन्सोनेंट. इस तरह समझ लेंगे A, यहां पर A लाइक T R A I N train, यहां पर T कॉन्सोनेंट. यानी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले कोई भी वर्ड के आगे आपको A लगाना पड़ेगा. वॉवल से शुरू होने वाले कोई भी वर्ड के आगे आपको M लगाना पड़ेगा. समझ में आया आपको? अब अगला स्टेप क्या है? तो हमें यह समझ में आ गया कि वॉवल एंड कॉन्सोनेंट का काम क्या है आर्टिकल में, कि वॉवल के आगे एन लगेगा और कॉन्सोनेंट लेटर के आगे हमेशा ए लगेगा. यह हमें समझ में आ गया. देखिए क्वेश्चन यह है कि हम आर्टिकल का यूज करेंगे कहां. तो दिस इज द क्वेश्चन, वेयर टू यूज ए एंड एन. ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये है. देखिए ए एंड एन इज यूज्ड विथ ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ए और एन का यूज करेंगे हम लोग सिंगुलर नंबर और काउंटेबल नाउन के साथ. अब हम नाउन जानते होंगे कि नाउन किसे कहते हैं. अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि व्हाट इज ए नाउन. जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम कहेंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ ए P E R S O N person, P L A C E place, or A T H I N G thing. किसी भी person, किसी भी place या किसी भी things के नाम को हम noun कहते हैं. ये अब तक समझ में आपको कि article के use करेंगे इन्हीं noun के साथ, लेकिन ये singular number होना पड़ेगा और plus countable होना पड़ेगा. समझ में आया? इसको एक बार अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा.
अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मैं बता दूं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहां पर आपको आर्टिकल समझ में आने लग जाएगा, आप जान जाएंगे कि आर्टिकल ए और एन का यूज कहां है। अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं डैश एच ओ आर एस ई हॉर्स, लिखा मैंने, मैं लिखा डैश ई एन जी आई एन ई इंजन, लिखा मैंने, मैं लिखा डैश ओ आर ए एन जी ई, लिखा मैंने डैश आर ए टी रैट डैश ई ए आर टी एच अर्थ, समझ में आ रहा है आपको, डैश एस टी ए आर स्टार, लिखा। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आर्टिकल ए कहां लगेगा और एन कहां लगेगा, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली वर्ड में जाते हैं, पहला अल्फाबेट देखते हैं, ये कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, आप बोलेंगे ए हॉर्स, ई वॉवल है, आप कहेंगे एन इंजन, ओ वॉवल है, आप कहेंगे एन ऑरेंज, आर कॉन्सोनेंट है, आप कहेंगे ए रेड, ई वॉवल है, आप कहेंगे एन अर्थ, राइट, और आप जैसे स्टार है तो आप लेंगे इसमें ए स्टार, ले लिया, वॉवल और कॉन्सोनेंट के खेल है। अब देखिएगा हूबहू मैं इसको यहां पर डिजाइन करता हूं, डैश एच ओ आर एस ई एस हॉर्सेस डैश ई एन जी आई एन ई एस इंजन्स डैश ओ आर ए एन जी ई एस ऑरेंजेस डैश आर ए टी एस रैट्स डैश ई ए आर टी एच एस अर्थ्स डैश एस टी ए आर एस स्टार्स। अब देखिए कंप्लीटली पूरा यहां पर कि यहां पर यही सब चीजें, लेकिन ये सिंगुलर नंबर में था, ये सब का था सिंगुलर, ये सब का था प्लूरल नंबर में हो गया, हुआ। अब यहां पर आर्टिकल ए और एन कहां लगेगा, तो यहां पर इसका आंसर है आर्टिकल ए और एन यहां पर कहीं पर भी नहीं लगेगा, उसका कारण क्या है, उसका रीजन ये है कि ये सब का सब प्लूरल नंबर है, मैंने आपको पहले लिखवाया था कि सिंगुलर नंबर नाउन के साथ ही लगेगा, प्लूरल नंबर के साथ नहीं लगेगा कोई भी आर्टिकल, करेक्ट। अब हम अगले पॉइंट पे जाते हैं, देखिए डैश डब्ल्यू ए टी आर वाटर डैश ओ आई एल ऑयल डैश जी ए एस गैस डैश एस यू जी ए आर शुगर डैश आर आई सी ई राइस, क्या है? अब यहां पर आर्टिकल कहां लगेगा, यहां पर आर्टिकल कहीं पर भी नहीं लगेगा। अब आप पूछेंगे क्यों, उसके कारण ये है कि यहां पर जितने भी वाटर है, ऑयल है, गैस है, शुगर है, राइस है, ये सब का सब अनकाउंटेबल है। मैंने आपको पहले कहा था कि काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नंबर के साथ ही आर्टिकल ए आर एन लगेगा, यानी कि प्लूरल नंबर के साथ आर्टिकल लगेगा नहीं, सोचना नहीं आपको, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल लगेगा नहीं। अनकाउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, जानते ना, अनकाउंटेबल जिसे आप गिन नहीं सकते 1 2 3 में, राइट, 1 2 3 4 5 में, और काउंटेबल जिसे 1 2 3 4 5 में गिन सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि 1 2 3 4 5 में गिनना, मतलब आप हाउस हॉर्स, राइट, आप हॉर्स गिन सकते हैं, 1 horse 2 horses 3 horses 7 horses 100 horses आप गिन सकते हैं, इंजन आप गिन सकते हैं, यू नो 1 engine 2 engines 7 engines आप गिन सकते हैं इसे, तो ये सब काउंटेबल है। ये देखिए 1 water 2 water ओके 3 oil 4 gas ओके 9 sugar आप नहीं गिन सकते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है, राइट। और काउंटेबल में आपको ए और एन सोच के लगाना पड़ेगा, आप प्लूरल नंबर और अनकाउंटेबल आप नहीं लगाएंगे। इस सबको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल ए और एन कहां लगता है, करेक्ट। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट, एक नोट हम बात कर रहे थे, यहां पर एक नोट देखते हैं, देखिए एन ओ टी ई नोट, नोट में आपको ये बताने वाला हूं कि आर्टिकल ए और एन कभी कभी हम कॉन्सोनेंट आगे लगा देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए एन एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट एन ऑनेस्ट, उसके बाद देखिए एन एच ओ यू आर आर एन आर, उसके बाद देखिए एन एच ओ एन ओ यू आर ऑनर। अब देखिए यहां पर एच कॉन्सोनेंट है, देख रहे हैं आप एच कॉन्सोनेंट, उसके बाद भी हम इसको एन लगा रहे हैं क्योंकि इसका साउंड जो है ओ है, देखिए इसको हम हॉनर नहीं कहते हैं, ऑनर कहते हैं, ओ से शुरू होता है, एच साइलेंट है। यहां पर देखिए यहां पर बोलते हैं हम इसको आवर, ओ यू आर आवर, इट्स नॉट हावर, राइट, यहां पर एच साइलेंट है। या देखिए इट्स ऑनेस्ट, ओ एन ई एस टी, एच यहां पर साइलेंट है, तो जो चीज साइलेंट होता है, एच जब साइलेंट होता है उसके बाद वोवल साउंड है, इसलिए हम यहां पर एन का यूज कर रहे हैं। लेकिन आप अगला पॉइंट देखिए, आप जैसे कि ए लाइक यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, ए यूनिवर्सिटी,
अब देखिए यू वॉवल है, यहाँ पर एन लगना चाहिए, आपने लिखा था ना यू से अम्ब्रेला तो एन अम्ब्रेला, लेकिन यहाँ पे यू क्या आगे ए क्यों लगा, क्योंकि यू तो वॉवल है। यहाँ पर एक्चुअली यू का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन है, राइट, इसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है यू का यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर इसको ए यूज करें। अब एक हमें हिंदी में समझिए ना, यू बनाने के लिए हमें यह चाहिए ना, यह में ऊ की मात्रा तो यूनिवर्सिटी यू बनेगा कि नहीं, तो यह जो है ये कॉन्सोनेंट में आता है, राइट, अ आ ई ई जो हम बोलते हैं ये वॉवल में है, क ख ग जो हिंदी में आता है ये कॉन्सोनेंट में है, तो यह कॉन्सोनेंट में है इसे यूनिवर्सिटी आप वैसे भी समझ सकते हैं, यू नो इस तरह से आप कहेंगे ए यू एन आई ओ एन यूनियन, ए हम लेंगे ए यू एन आई एफ ओ आर एम यूनिफॉर्म, देखा आपने, राइट, तो इस तरह बनता है ए और एन का एग्जैक्ट यूज। तो समझ में आया आपको, ए और एन का यूज कहां करेंगे आप, नाउन के साथ, और नाउन मतलब सिंगुलर नंबर और काउंटेबल नाउन होना चाहिए, यानी कि सिंगुलर नंबर होना पड़ेगा और काउंटेबल भी होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल के आगे और प्लूरल नंबर के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, और आर्टिकल ए और एन लगता है वॉवल और कॉन्सोनेंट के मुताबिक, यानी वर्ड अगर वॉवल से शुरू होता है एन लगाइए, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए लगाइए, समझ में आया। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ ए और एन की बात करते हैं, करेक्ट, और अगर हम द की बात करें उसके लिए अगला क्लास लेते हैं, अगले क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि टी एच ई द का आप एग्जैक्ट यूज कैसे करेंगे, तो आज का हम बात करते हैं सिर्फ ए और एन, तो समझ गया होगा आपको, अगर आपको कोई डिफिकल्टी होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट करिए, और अगर कोई डिफिकल्टी ऐसे पूछना है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ओके, ये सबसे ईजी मैथड है, यानी ग्रामर की किताब ना खोलकर भी आप ए और एन आर्टिकल का एग्जैक्ट यूज कर सकते हैं, ये कोई भी स्टैंडर्ड में आता है, स्टैंडर्ड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लासेस में आपको हर क्लास में ये सिखाया जाता है, आर्टिकल ये बेसिक चीज है, यू नो, तो आर्टिकल ए और एन आज हमने बता दिया, दैट इज फॉर इनडेफिनिट, अगले क्लास में आपको बताऊंगा आर्टिकल द, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग।